हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल और रूप्स। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ एकोलॉजिका का ग्लो एंड डूई सनस्क्रीन का, जो कि पपाया और विटामिन सी के साथ में आती है। और ये दोनों हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इनको लगाने से हमारी स्किन में ग्लो आता है, स्किन ब्राइटन होती है और ये स्किन को ड्यूई फिनिश देती है। मैंने इसको अमेजोन से परचेज़ किया था। आप इसको किसी भी साइट से, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पर्पल, नायका, कहीं से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। मुझे ये डिस्काउंट में 351 की पड़ी थी और वैसे ही इसका जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस जो इसका है वो 399 रुपीज़ है। अब हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, तो ये 50 ग्राम की क्वांटिटी में आता है। इसका प्राइस जो है वो 399 रुपीज़ है और ये SPF 50 प्लस के साथ आता है। PA प्लस 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 4 बार प्लस इसमें है और ये UVA और UVB इन रेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें वाटर लॉक टेक्नोलॉजी भी है और जिसकी वजह से ये आपकी स्किन इससे हाइड्रेट रहती है। और ये इसकी जो बॉक्स आता है, इस तरीके का इसका बॉक्स आता है, जो आउटर पैकेजिंग है वो इस तरीके की आती है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 24 मंथ की है, मतलब जब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है उसके बाद से 24 मंथ इसकी सेल्फ लाइफ है। और इसकी अगर हम इनर पैकेजिंग की बात कर लेते हैं तो ये काफ़ी येलो कलर की इस तरीके की बॉटल में आता है। काफ़ी इसकी जो पैकेजिंग है काफ़ी स्लीक पैकेजिंग है और 50 ग्राम का प्रोडक्ट मिलता है आपको 399 रुपीज़ में। अब हम बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर की, तो मैं आपको पंप करके दिखाती हूँ। इसमें इस तरीके का वाइट कलर का आपको क्रीम की फॉर्म में प्रोडक्ट मिलेगा, बिल्कुल भी रनी नहीं है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। स्किन में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही लाइट वेटेड है और ब्लेंड होने के बाद आपकी स्किन बहुत ही अच्छा ग्लो देती है। आप देख सकते हैं, देखिए आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा ग्लो आया है। जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो अगर अपना मॉइस्चराइजर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। बाकी जो अदर स्किन वाले प्रोडक्ट है, जैसे कि अदर स्किन वाले लोग हैं, जैसे जिनकी स्किन नॉर्मल है और कॉम्बिनेशन है और ड्राई है, वो अपना मॉइस्चराइजर स्किप ना करें। बाकी अगर ऑयली वाले करना चाहते हैं तो कर दें, काफ़ी स्किन इससे हाइड्रेटेड लगती है, देख सकते हैं आप। और यह फ्रेगनेंस फ्री प्रोडक्ट है, इसमें किसी भी तरीके की फ्रेगनेंस नहीं है। और मैं अपने अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। है ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है और बहुत ही लाइट वेटेड है और फेस को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करती है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं करती है। स्किन में बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और किसी भी तरीके का वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है। क्योंकि बहुत सारे लोग सनस्क्रीन इसलिए नहीं लगाते हैं कि बहुत ही हैवी होती है और वाइट कास्ट छोड़ती है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। बट इस सनस्क्रीन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी अच्छा, इसमें वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है तो आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी और आपकी स्किन ऑयली और ग्रीसी भी नहीं होगी। और यह स्वेट प्रूफ नहीं है और वाटर प्रूफ नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा कौन है। क्योंकि अगर जिन लोगों की स्किन ऑयली है, अगर वो ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है तो ये बह जाएगी, मतलब ये इसका कौन है। बाकी सनस्क्रीन काफ़ी अच्छी है और मतलब ऐसा बह जाएगी, मतलब ऐसा है जैसे पसीने के साथ ये निकल जाएगी, इस तरीके का मेरा कहने का मतलब है। तो बस ये इसका कौन है। बाकी सनस्क्रीन काफ़ी अच्छी है ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, ऐसा अच्छी सनस्क्रीन है। ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, उनके लिए भी अच्छी है। बट बस इसका एक कौन यही है कि ये अगर आपकी स्वेटिंग होती है या आप कहीं बाहर जाते हैं तो ये थोड़ा सा बह सकती है। बाकी अच्छी सनस्क्रीन है, मुझे काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन लगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही अच्छा रहा। और इसमें जो इंग्रेडिएंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर लीजिए और उसके बाद ही आप इसको बाई कर सकते हैं। इसमें इन इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है। अगर आपको ऐसे दिख ना रहा हो तो फिर मैं इसमें एक फ़ोटो अटैच कर दूंगी, जिससे आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट काफ़ी अच्छे से दिख जाएगी। इसमें इस तरीके के इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है तो आप देख सकते हैं। और अच्छी सनस्क्रीन है तो मुझे काफ़ी पसंद आई है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। बाय बाय।